हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात करने वाले हैं आज एक केमिकल कंपनी से रिलेटेड एक और बेहतरीन कंपनी जिसने मल्टीपैक रिटर्न दी है जो कि हम आगे देखेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब कर, करें शेयर करें फ्रेंड्स के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आपकी भी एक लाइक से आगे वीडियो फॉरवर्ड की जाती है यूट्यूब के थ्रू ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सके जान सके नॉलेज ले सके तो अगर बात करें यहाँ पर कल की डेट में यहाँ पर दो वीडियोज आए थे तो इन वीडियोज को जाके देख लीजिए प्ले को गो थ्रू करिए आपके लिए वीडियोज बना रखिए इन्हें जाके चेक करिए चेक करने से क्या होगा कि आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी आपको आ, और ये सीखने का मौका मिलेगा तो आपको कभी भी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स तो वो आपको एक पता चलेगा एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट नहीं है तो क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा एज वेल एज आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो अगर हम बात करें जिस पर्टिकुलर स्टॉक्स की हम बातें करने वाले आज के दिन में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना लंबा हम इसमें खेलते हैं जितना लंबा हम इसमें प्ले करते हैं उतने ही बेहतरीन रिटर्न हमें यहाँ मिलते हुए नजर आते हैं टेन ईयर्स की बात करें तो छप्पन सौ पिछहत्तर के रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए आ रहे हैं मतलब

यहां पर और भी कुछ चीजों की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर में तो यहाँ पर 2007 में एक वन रेशो टू का यहाँ पर एक बार बोनस दिया गया है स्प्लिट की बात करें तो दो बार यहाँ पर स्प्लिट हुआ है शेयर दस रुपए का फेस वैल्यू पहले है। दो हुआ था यहाँ पर 2009 में और दो रुपए का फेस वैल्यू एक हुआ था यहाँ पर लास्ट ईयर दो में फरवरी में पेंडेमिक से पहले तो अगर बात करें ये शेयर काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आ रहा है डिविडेंड कंपनी डिविडेंड भी यहाँ पर हेल्थी डिविडेंड यहाँ पर देती हुई नजर आती है एज वेल एज यहाँ पर कुछ पॉइंट से रिलेटेड बातें करें तो यहाँ पर देखिए फिफ्टी वीक लो नौ का था बारह अगस्त

पंद्रह रुपए का ये शेयर 2009 को हुआ करता था ओके okay, 2009 में ये कंपनी जब आई थी उसके बाद से एक कंसोलिडेशन फेज एक लंबा कंसोलिडेशन फेज लगभग तीन से चार साल का उसके बाद से कंपनी धीरे धीरे यहाँ पर मूव देना शुरू किया और जब इसने मूव देना शुरू किया तो आज की डेट में कंपनी रुक नहीं रही है आज की डेट में भी कंपनी भागे जा रही है और ये एक बेहतरीन जर्नी कहते हैं एक कंपनी के बारे में पता चलती है कि, कि किस तरीके की कंपनी होगी अगर बात करें कंपनी से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग व स्पेशलिटी ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स एंड मोनोमर्स से कंपनी का

आईबू प्रोफिन एन बिना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ आईबीबी। आई थिंक यहाँ पर ये कुछ मेडिकल uh, चीज से रिलेटेड होगा द करेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मेट्रिक टन पर एन हम यहाँ पर अगर बात करें और ए टी बी एस में भी यहाँ पर नंबर वन मैन्यूफेक्चरिंग है दो हजार बाईस इनका जो एक्सपायरिंग है पेटेंट यहाँ पर दो हजार बाईस में यहाँ एक्सपायर हो जाएगा ए टी बी एस यूज टू मार्क पॉलिमर यूज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट ये वाटर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है और आपको बताइए इंडिया में वाटर की किस तरीके की दिक्कत है और पानी यहाँ

पिनॉल है जो कि यहाँ पर अगर बात करें सिक्स like, प्रोडक्ट्स यूज इन द सेक्टर लाइक एग्रोकेमिकल्स प्लास्टिक जो कॉस्मेटिक एटसेट्रा यहाँ पर चीजें यूज की जाती है यहाँ पर इनका पाइपलाइन में है यहाँ पर इन चीजों को आप देख सकते हैं इज मार्केट वेयर द कंपनी सेल आई ओके ऑन अ कॉस्ट प्लस मॉडल मतलब यहाँ पर चाइना में भी ये कंपनी यहाँ पर सेल आउट करती हुई नजर आती है तो यहाँ पर इन चीजों से रिलेटेड जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पे एक बार जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं तो आपको और भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ए बी बी एंड ए टी बी एस जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर बात करें आर प्रोडक्ट तो इनके प्रोडक्ट स्पेशलिटी एरोमेटिक्स स्पेशलिटी मोरोमस बुटाइस फिनॉल्स एज वेल एस स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और मिशेल मिशलियस पॉलीमर से यहां पर रिलेटेड एक कंपनी काम करती हुई नजर आते हैं और बात करें लगभग इनके 800 प्लस एम्प्लॉज है 140 प्लस क्लाइंट्स है 35 प्लस कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है 25 प्लस अवार्ड्स एंड रिकॉगनाइजेशन है 30 प्लस ऑफ एक्सपीरियंस है और बात करें यहाँ पर सॉरी थ्री प्लस अगर बात करें तीस साल के आसपास का यहाँ पर एक्सपीरियंस है और टू स्टेट ऑफ द आर्ट मैनुफेक्चरिंग फैसिलिटी है यहाँ पर दो स्टेट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर इनकी अनाउंसमेंट ऑल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर एक बार इनके बारे में जाके आप यहाँ पर सारी की सारी चीजें देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट

पांच क्वार्टर की बात करें छह क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट एवं नेट प्रॉफिट यहाँ पर आता हुआ नजर आया क्वार्टरली बेसिस पे बट अगर बात करते इयरली बेसिस पे तो इयरली बेसिस पे आप इसकी ग्रोथ को देख के सरप्राइज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो इनकी सेल्स है मार्च से मार्च दो से लेके मार्च 2021 देख लीजिए अभी तक की सेल्स देख लीजिए दो करोड़ की सेल्स लगभग 1109 1109 मतलब 11 करोड़ रुपए की सेल्स में तब्दील हो चुकी है लगभग पांच सेल्स से, से साढ़े पांच गुना तो ये सारी चीजें बताती है कि कंपनी के मैनेजमेंट को काम करना आता है कंपनी को खुद को काम करना आता है ग्रोथ इनको ग्रोथ पोटेंशियल यहां पर दिखाई देती है नेट प्रॉफिट चालीस करोड़ का दो करोड़ में तब्दील हो चुका है जो कि यहाँ पर एक बार आया था सबसे ज्यादा फिर अभी सबसे ज्यादा आद होता हुआ दिखाई दे रहा है मतलब कंपनी कंसिस्टेंट

थोड़ी सी हिस्सेदारी ना के बराबर कम करती हुई नजर आई है और पब्लिक की पर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंपनी है उसने यहां पर ले रखी है तो अगर बात करें थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट के आसपास की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है किसके पास यहां पर पब्लिक में नजर आती हुई दिखाई देती है तो अगर हम यहां पर देखें तो कंपनी काफी बेहतरीन है इसकी तरफ नजरें बना के रखिएगा अगर इसके टेक्निकल से रिलेटेड अगर बात करें तो देखिए चार्ट पैटर्न तो ऐसा कुछ नहीं लग दिख रहा बट अगर बात करें कंपनी का बिहेवियर कंपनी के यहाँ पर बिहेवियर कुछ पता चलता हुआ नजर आएगा और उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर काम करते हुए नजर आ सकते हैं देखिए लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो आप इस शेयर को कभी भी खरीद सकते हैं ओके और लंबे टाइम के लिए जितना आप लंबे टाइम के लिए शेयर को अपने पास रखेंगे उतना ही बेहतरीन रिटर्न ये कंपनी देती हुई आएगी जो इसका पास्ट परफॉर्मर जो इसकी

ये इसका बिहेवियर है और जब भी चीजें इसके 50 डीएम के आसपास जब भी आ रहा है ये शेयर इसमें एक एक अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है और लोग इसे शेयर को खरीदते जा रहे हैं तो यहाँ पर मेरी राय तो ये है आ, आपको अभी भी इसमें बाइंग कर सकते हैं ओके और थोड़ा सा यहाँ पर और गिर, गिरता है जो कि थोड़ा शायद हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन बहुत कम चांसेस है फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन जो मार्केट के करेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर होते रहते हैं तो होता है तो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी शेयर को अपने में रखिए तुरंत इसमें जस्ट जा, लोहा गर्म होता है और जैसे पर, पर आएगा तो मार दीजिएगा और यहाँ पर एक अच्छी खासी बाईस सौ तेईस सौ रुपए की रैली दिखाई देगी फिर उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट होगा तो शायद उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा और फिर उसके बाद भागता हुआ दिखाई देगा तो ये शेयर का बिहेवियर है तो ये आपको इस तरीके से नजरें रखनी होगी इस एक साथ ही यहाँ पर बाइंग